दोस्तों पिछले 2-2.5 महीने से किसी मीडिया हाउस ने या किसी नेता ने या किसी विपक्षी पार्टी ने मोदी सरकार की इतनी नाक में दम नहीं किया जितना एक अकेला इस आदमी ने कर दिया है। एक YouTube चैनल ध्रुव राठी का, जिसमें हफ्ते में या महीने में एक वीडियो अपलोड होती है, वो एक वीडियो पूरा महीना मोदी सरकार के लिए एक सिरदर्द बन जाती है, IT सेल वालों के लिए परेशानी बन जाती है। तो सोचिए 5 चैनल, जी हाँ 5 चैनल क्या करेंगे। दोस्तों ध्रुव राठी ने एक साथ आज अपने 5 नए YouTube चैनल लॉन्च कर दिए हैं और ये 5ों जो YouTube चैनल्स हैं उन्होंने लॉन्च करते ही धमाल मचा दिया है। दोस्तों ध्रुव राठी ने अपना तमिल चैनल लॉन्च किया है, तेलुगु चैनल लॉन्च किया है, ध्रुव राठी बंगाली नाम से चैनल लॉन्च किया है, ध्रुव राठी कन्नड़ नाम से चैनल लॉन्च किया है और ध्रुव राठी मराठी नाम से भी चैनल लॉन्च किया है। अब आप कहेंगे कि क्या ध्रुव राठी मराठी बंगाली या कन्नड़ बोलते हैं, क्या उनको आती है? तो दोस्तों ये सब कुछ अब आप आसानी से टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं और ध्रुव राठी ने अपने इन तमाम YouTube चैनल्स में, 5ों नए YouTube चैनल्स में रीजनल चैनल को चुना है। ये बहुत ज़्यादा होशियारी वाला और बहुत ही महीन फैसला जो कि ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर ने चुना है कि दोस्तों एक बहुत बड़ी संख्या है जो हिंदी नहीं बोलती, ना हिंदी लिखती है और ना ही उन्हें उनके आम बोलचाल के जीवन में हिंदी का इस्तेमाल होता है। दोस्तों जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और बहुत हद तक बंगाली और मराठी भी, यहाँ ये लोग बहुत बड़ी तादाद में ऐसे आपको इस राज्य में लोग मिल जाएंगे जिनको हिंदी समझ ही नहीं आती। इसलिए आपने देखा होगा कि मोदी जी भी अगर इनमें से किसी राज्य में जाते हैं और चुनावी रैली को संबोधित करते हैं तो ट्रांसलेटर साथ में होता है, क्योंकि वहां पर हिंदी का प्रचलन कभी रहा ही नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि इन जितने भी राज्य जहां पर जिन राज्यों की भाषा का यहां पर ध्रुव राठी ने टारगेट किया है, इनकी अपनी एक इंडस्ट्री होती है, फिल्म इंडस्ट्री। जैसे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, मराठी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी भाषा में फिल्में देखना, अपने वो नेता जो उनकी भाषा में बात करता है वो पसंद करते हैं। दोस्तों इसीलिए बहुत ही होशियारी से इन तमाम राज्यों के ऑडियंस को, इन तमाम राज्यों के व्यूअर को कैप्चर किया गया ध्रुव राठी ने अपने इन 5 नए YouTube चैनल के जरिए। और इन सारे YouTube चैनल में एक ही वीडियो एक साथ डाली गई है, द डिक्टेटर। आपको याद होगा दोस्तों वो वीडियो जिसने 2 महीने पहले तहलका मचाया था सोशल मीडिया में, वो वीडियो जिसे लेकर ध्रुव राठी को काफ़ी ट्रोल किया गया था और ये कहा गया था कि ध्रुव राठी डर पैदा कर रहे हैं लोगों के मन में कि तानाशाही आ गई है देश में। ये वीडियो तब का है जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इसके बाद एक और वीडियो बनाया था ध्रुव राठी ने, डरा हुआ डिक्टेटर। लेकिन जो पहला वीडियो था डिक्टेटर, उसी को ध्रुव राठी ने अपने 5ों रीजनल चैनल्स में डाला है और 5ों रीजनल चैनल्स का स्क्रीनशॉट देख लीजिए दोस्तों। किसी में 3000 सब्सक्राइबर 2 घंटे के अंदर हो गए, किसी में 4000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मतलब आप 5ों यूट्यूब चैनल्स को अगर देखें तो 5ों यूट्यूब चैनल्स ने ध्रुव राठी के ये चैनल लॉन्च करते ही पहला क्राइटेरिया पूरा कर लिया यूट्यूब का। अगर आप नए यूट्यूबर हैं या यूट्यूब में चैनल लॉन्च करना चाहते हैं तो 2 क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, मतलब कि आपके जो एड्स चल रहे हैं उसका रेवेन्यू आपको आना शुरू हो जाता है। 1, जब आप 1000 सब्सक्राइबर पूरे करते हैं, 2, जब 4000 घंटे पूरे करते हैं। तो पहला जो क्राइटेरिया है वो 5ों चैनल ने, ध्रुव राठी के 5ों चैनल ने शुरुआत के 1-1.5 घंटे में ही कवर कर लिया था 1000 सब्सक्राइबर का। और हो सकता है कि जिस वक्त आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक और ज्यादा बढ़ गया हो सब्सक्राइबर बेस। और जो दूसरा क्राइटेरिया है यूट्यूब का दोस्तों, वो भी बहुत संभव है कि ध्रुव राठी बहुत जल्दी इसी वीडियो से, शायद हो सकता है 24-25 घंटे में ही या उससे पहले ही पूरा कर लें। आपको सुनने में लग रहा होगा 4000 घंटे, लेकिन YouTube में 4000 घंटे बहुत इजीली हो जाते हैं। बड़ी बात यह दोस्तों कि जो 5 भाषाओं के YouTube चैनल ध्रुव राठी ने लॉन्च किए हैं, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो कन्नड़ हो या फिर मराठी हो, सारी की सारी ऑडियंस ध्रुव राठी को हाथों हाथ ले रही है। इसका मतलब ये ऑडियंस पहले से ही ध्रुव राठी को सुनती आई है और अब उनका रीजनल में जाना ध्रुव राठी के व्यूअर्स के लिए एक
इन हैंड है। दोस्तों सवाल ये कि ध्रुव राठी ने ऐसा क्यों किया, इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, क्योंकि ध्रुव राठी के पास पहले से ही एक यूट्यूब चैनल है जो बेहतरीन कर रहा है, जिसका सब्सक्राइबर बेस बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो एक वीडियो पोस्ट करते हैं तो कई दिन तक सोशल मीडिया में उसी वीडियो की चर्चा होती है। हालांकि ध्रुव राठी के पास एक और यूट्यूब चैनल है ध्रुव राठी व्लॉग्स, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ या अपने व्लॉग्स डालते हैं, अपने ट्रैवल व्लॉग्स डालते हैं। इसके अलावा ध्रुव राठी का एक और यूट्यूब चैनल है ध्रुव राठी शॉर्ट्स, जिसमें वो केवल शॉर्ट्स पोस्ट करते हैं। लेकिन फिर भी ध्रुव राठी का जो सबसे चर्चित वीडियो था द डिक्टेटर, जिन्होंने जिसके बाद उनका सब्सक्राइबर बेस न केवल बड़ा बल्कि एक नई ऑडियंस उनके साथ जुड़ गई, न्यूज़ देखने वाली ऑडियंस, वो ऑडियंस अब बहुत बड़े स्तर में रीजनल, उनके जो रीजनल चैनल हैं ये 5 रीजनल चैनल, उसके साथ जुड़ेंगे। और ये हर लिहाज से ध्रुव राठी को एक पैन इंडिया यूट्यूबर बनाता है। दोस्तों भारत में यूट्यूब की दुनिया में ये अपनी तरह का एक बिल्कुल अलग तरह का प्रयोग है कि एक यूट्यूब चैनल, एक यूट्यूबर अपने चैनल में हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, सालों साल तक उस भाषा के जरिए अपना सब्सक्राइबर बेस बनाता है और उसके बाद रीजनल भाषाओं में जाता है। दोस्तों आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि जब ध्रुव राठी के पास पहले ही एक चैनल है जिसमें वो हिंदी में वीडियोस अपलोड करते हैं, तो कुमकुम उनको रीजनल चैनल्स में जाने की क्या जरूरत है, रीजनल भाषाओं में जाने की क्या जरूरत है। ए, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे बहुत से राज्य हैं दोस्तों जहाँ हिंदी इतनी ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज नहीं है, वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी भाषा बोलना पसंद करते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके जरिए एक पैन इंडिया यूट्यूबर ध्रुव राठी बनेंगे। लेकिन मुझे जो लगता है दोस्तों, ये ध्रुव राठी के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि खुद वो इस बीच कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि उनका यूट्यूब चैनल भी बंद करवाया जा सकता है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, द वायर को जो इंटरव्यू दिया था, करण थापर को इंटरव्यू दिया था ध्रुव राठी ने, उसमें उन्होंने कहा था कि ये मेरा चैनल बंद करवा सकते हैं। मतलब ध्रुव राठी को ये डर है, ये अंदेशा है या अनुमान है इसका कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आगे क्या। तो एक यूट्यूबर के लिहाज से ये एक बेहतरीन रणनीति हो सकती है कि अगर उस चैनल को कुछ हो जाए तो तब तक एक नया सब्सक्राइबर बेस खड़ा हो जाएगा। मतलब आज हम दोस्तों ये बात कर रहे हैं, आप 24 घंटे बाद इन यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर बेस देखिएगा, ठीक वैसे ही 24 दिन बाद देखिएगा, 24 हफ्ते बाद देखिएगा, तो हो सकता है कि अगले 3 से 4 महीने में जो ध्रुव राठी सिर्फ हिंदी भाषा के जरिए अपने दर्शकों के बीच जा रहे थे, ना केवल बड़े स्तर पर रीजनल भाषाओं के जरिए दर्शकों के बीच जाएं, बल्कि अपना एक बैकअप तैयार कर लें। हालांकि मैं फिर कहूंगी कि जो चैनल उनका है वो मेन चैनल है, और जो मेन चैनल होता है उसमें दर्शक का जो फुटफॉल होता है या जो सब्सक्राइबर बेस होता है उससे नए चैनल को बीट कर पाना, मतलब आप उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। नया चैनल अपनी राह में चलता है, पुराना चैनल जिसका इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, करोड़ से ऊपर का सब्सक्राइबर बेस है, उसकी रफ्तार अलग होती है। लेकिन उस चैनल के जरिए ही ध्रुव राठी चेहरा बने हैं, और उस चैनल के जरिए ये जो रीजनल चैनल का उनका एक नया सब्सक्राइबर बेस खड़ा होगा, इससे अगर उनका पुराना चैनल कल को कुछ हो भी जाता है उनके पुराने चैनल को, जिसका डर उन्होंने जाहिर किया है, तब तक उनका ये रीजनल चैनल का सब्सक्राइबर बेस रेडी हो चुका होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही होशियारी वाला कदम है जो ध्रुव राठी ने उठाया है। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि ध्रुव राठी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, उनके पास अपनी टीम है, प्रोडक्शन की उनकी अपनी टीम है, वो सारी जितनी भी वीडियोस अपने चैनल में अपलोड करते हैं उसका प्रोडक्शन भी उनकी टीम खुद करती है, रिसर्च की उनके पास टीम है, तो उनके लिए ये काम बहुत मुश्किल नहीं होगा। अब जो रीजनल चैनल्स में उनकी वीडियोज अपलोड होंगी वो उनकी वही वीडियोज होंगी जो हिंदी चैनल्स में अपलोड हो चुकी हैं, उनका ट्रांसलेशन करके, वॉइस ओवर चेंज करके, मतलब आवाज चेंज करके उसमें अपलोड की जाएगी। और ये बहुत नॉर्मल चीज है, मतलब वैसे ही जैसे कोई साउथ इंडियन फिल्म हम देखते हैं हमारे टीवी में आती है या हम थिएटर में जाके देखते हैं, साउथ इंडियन फिल्म है हमने उसको हिंदी में ट्रांसलेशन में देखा, तो हमारे लिए कंटेंट मायने रखता है, फिल्म अच्छी होती है तो हिट हो जाती है। बहुत सी ऐसी साउथ इंडियन फिल्में हैं जो हमने हिंदी भाषी लोगों ने पसंद की, ठीक वैसे ही क्योंकि ध्रुव राठी का कंटेंट तगड़ा है, उनका प्रेजेंटेशन और उनका प्रोडक्शन क्वालिटी तगड़ी है, तो हो सकता है कि जिस तरह का सब्सक्राइबर बेस उनका मेन चैनल में है हिंदी चैनल में, उतना ही सब्सक्राइबर बेस उनका अलग अलग 5 रीजनल चैनलों में खड़ा हो जाएगा। मतलब आज से पहले ध्रुव राठी एक हिंदी यूट्यूबर थे, आज के बाद ध्रुव राठी एक पैन इंडिया यूट्यूबर होने के साथ साथ हो सकता है कि देश में एक अपने आप में एक अलग तरह के यूट्यूबर पैदा हो जाएं, जो यूट्यूब में एक नई राह दिखाएं लोगों को कि अगर आपके पास संसाधन है, अगर आपके पास टीम है, तो और आपके पास वैसा कंटेंट है जो देश के बाकी राज्य के लोग सुनना और देखना चाहेंगे, तो आपको यूट्यूब
में टेक्नोलॉजी के जरिए आप उन लोगों तक पहुंच सकते हैं, अगर आपको वो लैंग्वेज या भाषा नहीं आती है तो भी। इसके अलावा दोस्तों, जिस स्पीड से ध्रुव राठी के इन चैनलों का सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है, वो एक और बात बताता है। जो लहर की बात कही जाती है, वो लहर जमीन पर वाकई में है, क्योंकि ये जो वीडियो ध्रुव राठी ने अपने पांचों चैनल में लॉन्च किया अलग अलग वॉइस ओवर्स के साथ, उसमें मोदी जी को तानाशाह कहा गया है, मोदी जी की आलोचना की गई है। तो क्या वाकई में ऐसे राज्यों में मोदी जी के खिलाफ सुनने वालों की तादाद इतनी बड़ी है? ये हमें सोशल मीडिया के जरिए पता चलता है। ये है दोस्तों सोशल मीडिया की ताकत, जो कभी भी टीवी आपको नहीं बताएगा, या फिर ये समझ लीजिए कि वो चाहता ही नहीं कि आप इस बात को जाने। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, जितना हो सके अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट कीजिए कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो अपने दम पर आपके सामने सच लाकर परोसने की कोशिश करते हैं, उनको आगे बढ़ाइए। मेरे भी चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि चाहे कम संसाधनों के जरिए ही, लेकिन अपने स्तर पर हम आपके सामने वो बात रख पाएं जो जानने का, समझने का आपको अधिकार है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या ध्रुव राठी के पांच चैनल एक नया रिकॉर्ड बना पाएंगे और ये अपने आप में एक अलग तरह का YouTube का ट्रीटमेंट, YouTube की केस स्टडी बन जाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। और दोस्तों, मैंने अपना एक नया YouTube चैनल भी लॉन्च किया है, अगर आप चाहें तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।